cheers to 2 years of Matt and Laddie. This looks interesting, yaar. Bye. And yeah, we had a great time, guys. Hi guys, this is Pooja. Welcome back to my channel and welcome to a new vlog. Husky unayo. Abhi, he was coughing, but he had to remain quiet. तो गाइज आज थर्सडे है और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7:30 बजे. यू कैन सी 7:30 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल रेडी बिकॉज आई हैव बीन इन्वाइटेड टू अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड बाइक इन बैरल्स, जो कि यहाँ चेन्नई में है, द रेसिडेंसी टार्स होटल में. इट्स बेसिकली अ पब. मेरा और विपुल का जाने का कोई तुक बनता नहीं है बिकॉज वी आर टी टोटलर्स एंड विपुल इज़ अ टोटल इंट्रोवर्ट. तो वो तो वहाँ जाके हर किसी से हंसी मजाक करना या डांस करना तो हरगिज़ करने वाले नहीं है. एंड सो आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, बट देन आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कम्फर्टेबल डांसिंग इन अ पब एक्सेट्रा. बट स्टिल वी आर गोइंग बिकॉज हमको पीआर ने इन्वाइट किया है वहाँ पे. देर इज़ अ इवेंट हैपनिंग देयर टुडे विच इज़ ओपन माइक. ओपन माइक इवेंट इज़ बेसिकली एक बैंड आएगा वहाँ पे हु विल डू लाइव सिंगिंग, प्लस उसके अलावा हुएवर इन द क्राउड वॉन्ट्स टू सिंग कैन यू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड शोकेस देयर टैलेंट एक्सेट्रा. सो हम वहाँ जा रहे हैं, करेंगे क्या जाके, एब्सोल्युटली नो आइडिया. जस्ट गॉट टू गो यू नो अटेंड द इवेंट एंड ऑफकोर्स आई नीड टू डू सम इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह जो यूजुअली कोलैबोरेशंस में होता है. सो या विपुल एंड आई आर गोइंग एंड चलो निकलते हैं एंड आई विल कीप गिविंग यू स्नीक पीक. और हो सकता है ये व्लॉग 2 दिन में कंप्लीट हो बिकॉज मैं पूरा इवेंट तो नहीं कवर कर पाऊंगी. सो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग टुमारो एज वेल. सो या फिलहाल घर से निकलते हैं. पहुंच गए हम लोग और वी हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर. बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं. आ गई लिफ्ट और मुझे लगी है भूख गाइज. मुझे कुछ पीना है ठंडा ठंडा. ऑफकोर्स हम तो मॉकटेल्स ही पियेंगे. सो कुछ ठंडा ठंडा पीना है, एट द सेम टाइम कुछ खाना भी है. सो चलते हैं ऊपर, पहले सबसे मिलेंगे एंड देन विल ड्रिंक समथिंग. तो पी आर पर्सन से मिली, एक दो ब्लॉगर से मिली एंड नाउ वी आर हियर गाइज. और माहौल तो आप देख ही रहे हैं लाइक एनी अदर पब. सो ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी. और हमें दिया गया ये चखना जबकि हम तो टी टोटलर्स हैं, तो मैं ये सब कुछ खाने वाली नहीं हूँ. आई हैव ऑर्डर्ड वर्जिन मोहितो फॉर अस एंड पनीर. और आप देखना विपुल अपने फ़ोन से लाइट दिखा रहे हैं, फ्लैश लाइट, और तब जाके मैं कुछ शूट कर पा रही हूँ. सो हियर इज़ आर मॉकटेल. मॉकटेल हमने दोनों ने सेम ऑर्डर किया था विच इज़ वर्जिन मोहितो एंड उसके बाद हमने ऑर्डर किया पनीर टिक्का जो कि लग रहा है बहुत बहुत यमी. और खाने के बाद मुझे तो बहुत बहुत ही टेस्टी लगा. इट्स जस्ट दैट मैंने यू नो ये सुना है कि पब में या किसी भी रेस्टो बार में खाना पर्पसली थोड़ा स्पाइसी रखा जाता है ताकि स्पाइसी लगे, प्यास लगे और कुछ पीने का मन करे और उनके ड्रिंक्स ज़्यादा यू नो सेल आउट होए. सो दिस इज़ वन लॉजिक जो मैंने सुना है कि ज़्यादातर पब्स एंड रेस्टो बार्स में होता है. तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज ओपन माइक इवेंट है तो दो बैंड्स आए हुए हैं. एक दोनों ही बहुत यंग बैंड्स हैं और एक बॉयज़ का बैंड है जो कि अभी गाना गाने वाले हैं एंड दे आर प्लेइंग, दे आर सेटिंग अप देयर बैंड. एंड उनके बाद आने वाली है गर्ल्स बैंड. सो या दे आर गोइंग टू परफॉर्म सम बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड सम तमिल सॉन्ग्स. Oh, 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 oh
मैंने जैसा मेक्सिको में पिया था ना, वैसा पीने को लाना मुझे कहीं नहीं मिलता। सो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था पनीर टिक्का, बट बहुत यमी भी था। तो हमने एक और मॉकटेल ऑर्डर कर लिया। मैंने ऑर्डर किया है पिना कोलाडा और विपुल ने मंगवाया ब्लू लगून। चीयर्स टू 2 years ऑफ मैट एंड लैडल। तुम्हारा ड्रिंक अच्छा लग रहा है यार। आई लाइक द ग्लास एक्चुअली, है ना? आई लव्ड इट। ब्लू लगून इज बेटर देन माई पिना कोलाडा, है ना? अच्छा है ना? हाँ गाइज, एज यू हर्ड, आज 19th मई मैट एंड लैडल जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है दैट कम्प्लीट्स 2 years, और उसकी खुशी में आज हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम कोलेबोरेशन। मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया। इट्स जस्ट दैट कोइंसिडेंटली इट हैपन टू बी द सेम डे। I hope you guys okay, so the first song is for all the couples in the house, so make some noise. तो गाइज ऊपर हमने अटेंड कर लिया इवेंट, अब हम जा रहे हैं डिनर करने, बिकॉज बहुत लेट हो गई है, 10 बज गए हैं। ज़्यादा भूख है नहीं वैसे, सो हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, शूट करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। सो खाने से पहले मुझे अपनी शूट निपटानी है, बिकॉज एज आई सेड आई एम हियर फॉर माई इंस्टाग्राम, इट्स अ कोलेबोरेशन विद माई इंस्टाग्राम पेज। तो पहले अपनी शूट निपटाऊँगी और उसके बाद हम डिनर करने बैठेंगे। Indeed a treat for the desert lovers. Baap re, they have so much, itni sari varieties of desert wahan pe hai. Rasgulla, and if that's not all, here they have moong dal halwa, they have sevia payasam, red velvet cream pudding. Baap re, so much. And finally ice creams. बहुत टेम्पटिंग लग रही है यार। साउथ इंडिया में कोई भी बुफे इज इनकम्प्लीट विदाउट कर्ड राइस एंड पिकल। ए विपुल, योर फेवरेट फ्राइड फली। सैलड 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 एवरीवेयर, दिस किडनी बीन्स सैलड, चिकपी चाट, ग्रिल जुकीनी एंड पास्ता सैलड, वैरायटी ऑफ सैलेड यार। लेकिन पेट भरा हुआ है विपुल, मुझे नहीं खाना कुछ खास।
this looks interesting, yaar. Beetroot, orange, microgreens, and I think that is feta cheese. Quite interesting. मुझे ना होटलों में आने के बाद उनकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है देन देयर खाना. आई लव दीज जार्स. सच्ची में देखो कितने प्यारे प्यारे जार्स हैं. मन करता है बस ये दे दो, खाना नहीं चाहिए, पेट भरा हुआ है. सो ये है पुदीना पुलाव. मैं थोड़े पुदीना पुलाव लूँगी, लिटिल पनीर एंड थोड़ी सी दाल, दैट्स ऑल. स्मेल बहुत अच्छी आ रही है मुझे तो. हाँ बस बस. तो गाइज हुआ ये, जब हम खाना खाने आए, सो ये साइड जिस साइड में मैं अभी आई हूँ, यहाँ पे नॉन वेज फूड सर्व हो रहा है और उस साइड में वेजिटेरियन रखा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वेजिटेरियन साइड है वहाँ पे दे हैव पेंटेड द चेयर्स, फ्रेश पेंट किया है, सो दे ब्लॉक दैट वे. और हमें यहाँ आके खाना था और यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी. नॉट दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी. सो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं दिखा रही हूँ, इतना बड़ा टेबल है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 के टेबल में हम दो लोग बैठ के खाना खा रहे हैं. ये देखिए, सो इतना बड़ा टेबल और हम सिर्फ दो लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल स्मेल नहीं है. सो दे सेड इट्स ओके मैम, आप ये टेबल यूज़ कर लीजिए, ये ऑक्यूपाई कर लीजिए, यहाँ खा लीजिए. सो बस अब हम खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए. सो ये मैं खा रही हूँ, ये है पुदीना राइस जैसा कि मैंने बताया, पनीर और दाल. दाल बहुत अच्छी है, मैंने अभी तक कुछ और टेस्ट नहीं किया है, सिर्फ दाल टेस्ट की, एंड दाल बहुत अच्छी है. तुम क्या लाए हो? व्हाट इज दैट? ये क्या है? नो, ये क्या है? गार्लिक पोटैटो. गार्लिक पोटैटोज. गार्लिक. हाँ, गार्लिक पोटैटो, गार्लिक नूडल्स, सारा गार्लिक गार्लिक. मैं तो मीठा नहीं खाती हूँ बाहर का, एंड विपुल ने ये मूंग दाल हलवे की सेकंड सर्विंग ली है. गाइस, विपुल को इतना ज़्यादा यमी लगा दैट ही सर्व्ड हिमसेल्फ अ सेकंड सर्विंग. सो डिनर हमारा हो गया गाइस, एंड वी आर गोइंग होम. बाय बाय. एंड या वी हैड अ ग्रेट टाइम गाइस, बहुत अच्छा लगा. तो गाइस आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग. जब मैं घर से निकली थी, मैं ये बोल के निकली थी कि शायद ये व्लॉग मैं 2 दिन कंटिन्यू करूँगी, आज और कल. बट मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस व्लॉग में मैं इतना कुछ दिखा पाऊँगी और ये व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा. सो या आई थिंक आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग इट, एंड ऑल दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी फ्रॉम चेन्नई, डू विजिट द रेसिडेंसी टास बाइक इन बैरल्स. आई एम श्योर यू विल लाइक इट. और बस दैट्स इट. डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स. मैट एंड लैडल इज माई अकाउंट. सो सी यू अगेन ऑन अ न्यू डे विद अ न्यू ब्लॉग. अंटिल देन, टेक केयर. बाय बाय.